घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के सभी अस्पतालों में चल रहे चिकित्सकों की कमी के चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक कांग्रेस घुमारवीं के बैनर तले पूर्व सीपीएस राजेश धर्मानी के नेतृत्व में सिविल अस्पताल घुमारवीं परिसर में धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रदेश सरकार, स्थानीय विधायक व विभाग को चेताया है कि यदि 15 दिन के भीतर अस्पतालों में रिक्त पदों को नहीं भरा गया तो चक्का जाम करने पे वे मजबूर होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार व विभाग की होगी। चिकित्सकों की कमी के कारण लोग परेशान हो रहे हैं। धरना और लोगों की इसी मुश्किल के चलते कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से किया है। धरना प्रदर्शन में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस मौके पर पूर्व विधायक राजेश धर्मानी ने कहा कि विधायक की नजरबाजी के चलते सिविल अस्पताल घुमारवीं सहित अन्य अस्पताल खुद मरीज बनते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब से प्रदेश में भाजपा सरकार सत्ता में आई है तब से सभी अस्पताल डॉक्टर मुक्त हो गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार का बदलाव कर लोगों ने उम्मीद रखी थी कि नया विधायक बनेगा और पुरानी व्यवस्था से उन्हें बेहतर सुविधाएं मिलेगी, लेकिन आज लोग अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो व्यवस्था कांग्रेस के समय थी अब उससे भी बुरा हाल यहाँ चल रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के जो छुटभैया नेता हैं वे अधिकारियों पर दबाव बना रहे हैं, जिस कारण उन्हें काम करना भी मुश्किल हो गया है। यही कारण है कि चिकित्सकों ने घुमारवीं से तबादला करवाना ही सही समझा। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी के चलते प्राइवेट अस्पतालों में लोगों को इलाज करवाना पड़ रहा है, इससे गरीब परिवार के लोग भी दुखी हैं। वहीं सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य कार्यालय में पहुंचकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजेश धर्मानी के अगुवाई में टेंडर प्रक्रिया में हो रही कथित धांधली पर भी नारेबाजी की। धर्मानी ने कहा कि जो कार्य किए जा रहे हैं वो टेंडर प्रक्रिया के बिना ही किए जा रहे हैं। भारवी क्षेत्र में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं का बहुत बुरा हाल है। गरीब आदमी आज बेहाल है और आज वो नाउम्मीद होके जो है वो दुख झेल रहा है। सरकार बदली थी, यहाँ के लोगों ने नया विधायक बनाया था तो बहुत उम्मीदें लोगों को थी, आज वो उम्मीदों के ऊपर पानी फिर गया है। जितने यहाँ पे डॉक्टर थे आज उन डॉक्टरों को जो है ऐसा माहौल बनाया गया कि वो आज डॉक्टर यहाँ से छोड़ के चले गए, और जब डॉक्टर नहीं होंगे तो स्वाभाविक है कि लोगों को जो है वो स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलेंगी और मजबूरी में लोग जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ उनको रुख करना पड़ रहा है। तो जो इलाज मुफ्त में होना चाहिए था उसके लिए हजारों रुपए उनको खर्च करने पड़ रहे हैं। ये बड़ा दुखदाई है। हम सरकार से जो है अनुरोध करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, स्वास्थ्य मंत्री जी से भी, कि आप शीघ्र अतिशीघ्र जो है इसकी तरफ ध्यान दें और 15 दिन के अंदर अंदर जो है यहाँ पे डॉक्टरों की तैनाती की जाए। ये तो हमें जो है यहाँ पे चक्का जाम करेंगे। धन्यवाद।